चला हमारे ब्लैक वाले का भी एक्स आ गया, अंडा दे दिया इन्होंने भी। इन्होंने अंडा दिया और मैंने रात को इसकी वीडियो भी बनाई थी। दोस्तों देख सकते हो यार, माशाल्लाह मैंने बहुत प्यारा नेस्ट बना दिया इसका यहाँ पर। ये मैंने जमा करके यहाँ पे यार व्हाइट डायमंड का मैं अंडा दिखा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमने सारे परिंदों को अपने खोल लिया है और भी गुड न्यूज़ देने वाले हैं और आपको और भी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, क्योंकि हम आपको एक गुड न्यूज़ भी देंगे और एक बैड न्यूज़ भी देंगे, तो दोनों एक साथ है दोस्तों। चले आए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं इन सबको दाना पानी डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों? फिर मैं आपको वो दोनों चीज़ें बताता हूँ, गुड न्यूज़ भी और बैड न्यूज़ भी। चले आए। तो दोस्तों ये मैंने खोल दिया इन सबको, ठीक है। ये दाना मैंने इनको डाल दिया थोड़ा बहुत, और मैं इनको थोड़ा सा चावल भी डाल देता हूँ। ये चावल बड़े शौक से खाते हैं ना, तो मैंने इनको चावल भी डाल दिया है, ठीक है। तो ये बहुत शौक से खाते हैं ये कबूतर हमारे चावल ना। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यार, बहुत प्यारे हैं हमारे कबूतर। ये देखो चीनी गैंग भी बहुत मस्ती करती है, इन सबको मैंने खोल दिया और वो अपनी जोड़ी लगा रही हैं। हाँ माशाल्लाह, ये देखो ये खा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो है ना, हम एक चीज़ और भी करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो है ना अंकल आंटी ये बहुत तंग कर रहे हैं हमें, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उनके लिए हम अलग से एक नेस्ट बनाएंगे आज, वो आप देखना आज इंशाल्लाह। वो बहुत ज़बरदस्त नेस्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि यार वो नेस्ट उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया बिल्कुल, तो मैंने उसको निकाल ही दिया अंदर। दोस्तों बहुत काम बाकी है यार, इनको दाना पानी भी डालना है, ये सब प्यासे हैं भूखे हैं अभी ना। तो मैं सबसे पहले ये सारे सामान मैंने इनके निकाल लिए, बर्तन मैं इनको धो देता हूँ, ठीक है। इनको धो के मैं इनको दाना पानी देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जो है ना, हमने अपने अपने कुकू पिकू और चीनी गैंग वगैरह के लिए सबके लिए दाना हमने बना लिया है, ठीक है। और ये दाना मैंने बना लिया और इनको मैंने एक्स्ट्रा दाना बाहर भी डाल दिया, ताकि ये खा ले, पेट भर ले, फिर उसके बाद हम गेज में भी डाल देंगे इसके, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ साथ जो है, हम अपने बिट्टू गैंग को भी खोल देते हैं, ताकि वो भी बाहर आ जाए थोड़ा सा घूम ले, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने इनको नहीं खोला है। तो मैं इनको भी खोल देता हूँ, थोड़ा बाहर आके घूम लेंगे ये। और अंकल आंटी को तो मैं निकालने वाला नहीं हूँ भाई, क्योंकि ये अटैक करेंगे इन पर, और फिर ये जो है ना बीमार होगा, कोई मरेगा, कोई क्या होगा, तो भाई मैं इस चीज़ से डरता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो है ना फिर कोई नुकसान हो या फिर किसी को परिंदे को नुकसान हो, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैंने उसको अंदर ही बंद करा हुआ है। निकालेंगे अकेले में, निकालेंगे कभी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो है दोस्तों, रानी मैं इनको खाना लगा देता हूँ, रानी को भी और शेरू को भी, क्योंकि यार दोस्तों मैं पानी देता हूँ, जब भी देखो ये पानी गिरा देती है यहाँ पर, और फिर पानी सारा ज़ाया कर देती है और कीचड़ कर देती है, ठीक है। ये मैंने वापसी लगा दी, मैं इनको दाना लगा देता हूँ। शेरू को देखो, ये देखो, ये भाई शेरू ने अपना हिस्सा लेकर भागा है, ठीक है। मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे करके लगाता हूँ, क्योंकि शेरू फिर तंग करता है, रानी को तो मारता ही रहता है। हम अपने अंकल आंटी का भी खाना लगा देते हैं। अंकल अंकल बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना अंकल। चीनी गैंग का भी खाना लगा देते हैं, क्योंकि चीनी गैंग बाहर खा रहे हैं थोड़ा बहुत जो भी है, और इनको अंदर भी लगा देते हैं, ताकि ये अंदर आके खा लें, ठीक है दोस्तों। ये लगा दिए साथ जो है, मैंने कबूतर गैंग का भी लगा दिया है, इनको लगा चुका हूँ। गैंग का खाना, बिट्टू गैंग का खाना मैं लगा देता हूँ, और बिट्टू गैंग का जो पानी मैंने भरना था, ये मैं पानी भर लेता हूँ इसमें। बिट्टू गैंग को पानी भी भर के दे देता हूँ, ताकि ये पानी भी पी ले। और बिट्टू गैंग बाहर आना नहीं चाह रहे यार दोस्तों, ये जो है ना, या मुझसे नाराज़ है या खुद से नाराज़ है। वो यार एक और कहाँ गया, तीन तो अंदर है यार दोस्तों, एक और। ओहो भाई ये देखो, ये तो फायर भी आ गया है, ये यहाँ पे घूम रहा है, और मैं परेशान, मैंने बोला कहाँ चला गया, तीन है एक और किधर है, ये देखो माशाल्लाह ये बाहर आ गया है। यार दोस्तों बड़े क्यूट लगते हैं यार ये हमारे जो है ना बिट्टू गैंग, बड़े प्यारे हैं, छोटे छोटे से मासूम से। अच्छा तो दोस्तों अब जो है ना, मैं आपको बैड न्यूज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद रात में मेरा चक्कर लगा था ऊपर छत पे, तो मैंने देखा था एक अंडा दिया हुआ। मैं बैड न्यूज़ ये है कि अंकल आंटी जो है हमारे, जो मैंने इन्होंने दिया वीडियो के साथ रात कर दूंगा अंडा, ठीक है ठीक है। इन्होंने अंडा दिया और मैंने रात को इसकी वीडियो भी बनाई थी। फिर वो जो है ना एग्स उठाया नहीं, तो क्या हुआ भाई, वो जो है ना इन्होंने खा लिया। सुबह में आया तो, अभी मैं आया तो मैंने देखा इसके पास अंडे नहीं पड़े हुए, अंडे खा गई है। एक अंडा दिया था तो वो खा चुकी है,
यार बहुत ही बैड न्यूज है ये मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने अंडा दिया और मेरे को जो खुशी हो रही थी तो मैंने बोला बस यार मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। तो मैं उसी चक्कर में मैं सुबह आया हूँ और मैंने देखा तो अंडा ही नहीं। वो जो है ना जनाब ये खा गए अंडा, ये रानी अपना अंकल और आंटी ने दोनों ने अंडे खा लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई हमारी बैड न्यूज़। और इसके बाद जो है ना मैं इसका नेस्ट भी लगाऊंगा, क्योंकि मैं अब खुद बनाऊंगा उसको कोने पे। मैं इसके लिए घास भी लाया हूँ, ये कोने पे मैं लगा देता हूँ, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा लगाते हुए। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जो है ये मैं लेकर आया हूँ इस शॉपर में, आप सोच रहे होंगे क्या है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना भाई मैं नेस्ट के लिए लाया हूँ अपने घास वगैरह, तो मैं लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए। तो ये जो है ना मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, ये अभी मुझे तंग बहुत करेंगे क्योंकि मुझे लगाने भी नहीं देंगे, मैं उधर कोने पे करके इसको लगा देता हूँ। देख सकते हो यार बहुत सारा लेकर आया हूँ, मैं बहुत सारा लेकर आया हूँ और मैं वहाँ लगाऊंगा, बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये अंडे उसमें देंगे अब, क्योंकि इन्होंने खा लिया ना, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। तो दोस्तों मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले लाइट जला लूँ। तो मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ, अब मैंने लाइट जला ली है और मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि यार बड़ी मुश्किल होती है, छोटी जगह है बहुत ज़्यादा और आप देख सकते हो मैं कितने नीचे झुक के बैठा हूँ। तो ये जो है ना मैं लगाऊंगा और ये इसी दौरान ये बाहर ना निकल जाए, मुझे शक है इस बात का, ये बाहर निकलने के चक्कर में। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, आज इनके साथ जंग हो जाए मेरी। ठीक है, तो ये जो है ना बाहर जाएंगे तो ये तंग करेंगे फिर उनको, तो आज जंग है हमारी, बाहर नहीं जाना, बस बाहर नहीं जाना मैं बोल रहा हूँ यार दोस्तों। ये बाहर जाएंगे ना मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाएगा इस बात पे, क्योंकि जो है ना बाहर ये कबूतरों को मारेंगे फिर। ठीक है, तो मैं इसको जमा कर देता हूँ यहाँ पे इनके लिए, मैं बना दिया। तो दोस्तों देख सकते हो यार माशाल्लाह मैंने बहुत प्यारा नेस्ट बना दिया इसका यहाँ पर, ये मैंने जमा करके यहाँ पे यार बहुत ज़बरदस्त बन गया। यार मुझे तो नहीं पता ये किस तरह से अंडे देते हैं, तो बस यार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ठीक है, बताना ज़रूर यार दोस्तों, आप लोगों को कमेंट्स नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग बताओगे तो हमें पता चलेगा यार, जिन भाइयों को बताओ जिन दोस्तों को बताओ तो वो लाजमी कमेंट्स में बताएगा। मैंने बहुत ज़बरदस्त बना दिया इसको, बाकी अल्लाह मालिक है यार इसमें देते या नहीं देते। देख सकते हो मैं बाहर निकला हूँ और ये जो है ना अटैक करना शुरू कर दिया कबूतरों का, जो है ना उड़ना शुरू हो गया यहाँ पर, मैं इनको अंदर कर देता हूँ। चला ये अंदर आ गए, मैंने ज़बरदस्त तरीके से बना तो दिए, बाकी अल्लाह मालिक ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जो है ना मैं आपको गुड न्यूज़ भी बताता चलूँ, गुड न्यूज़ क्या है आप भी सोच रहे होंगे कि यार नदीम भाई जो है ना गुड न्यूज़ क्या देने वाले, तो चले आए मैं वो आपको गुड न्यूज़ भी दिखाता हूँ। ये देखो माशाल्लाह से हमारे कबूतर ये जो है ना दाना खा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है यार दोस्तों गुड न्यूज़ ये है, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ब्लैक वाले का भी एग्स आ गया, अंडा दे दिया इन्होंने भी इन वाले जोड़ियों ने, तो माशाल्लाह इनका एक अंडा आ गया है। और दूसरा जो हमारे ब्लैक डायमंड कहलाते हैं, ये हमारे ब्लैक डायमंड है, तो ब्लैक डायमंड ने भी अंडा दे दिया, और हमारे व्हाइट डायमंड ने भी, व्हाइट डायमंड का मैं अंडा दिखा सकता हूँ, इन्होंने पहले एक अंडा दिया था अब इन्होंने दो अंडे दे दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह यार दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे कबूतर है ये हमारे, जो इन्होंने अंडे दिए और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगते हैं यार ये दोनों की जोड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, और इन्होंने अंडा दिया तो इससे ज़्यादा मैं और मुझे क्या खुशी होगी यार, मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे कबूतरों ने अंडे दिए और अंडे ही अंडे, सीज़न शुरू है भाई अंडों की, जो है ना बम्बार हो रही है हमारे तरफ, जो है ना हमारे गेश में, माशाल्लाह से यार दुआ किया करो हमारे लिए कि यार हमारे परिंदे भी सही रहे, और आप लोग के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, आप लोग भी ठीक ठाक हो, और भाई दिल से दुआ निकलती है आप लोग सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो भाई ये देखो माशाल्लाह से जो है ना हमारे कबूतरों के अंडे आ गए, ये बैठ गया है। ठीक है भाई, यही थी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए भाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यकीनन हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो शरी मुंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, शरी मुंडे अल्लाह हाफिज़।